गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं ड्राइंग बनाने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है बनाना बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई की ऐसा ड्राइंग है ना, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ड्राइंग बनाना। पता नहीं, मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे बटरफ्लाई ड्राइंग बनाए हैं और सभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप लोग जाके उसे वीडियो को देख सकते हो। तो बटरफ्लाई ये जो ड्राइंग में बनानी है ना, बहुत ही सिंपल है। मैंने 3 बटरफ्लाई बनाए हैं, सारे तीनों को मैंने ऑलमोस्ट सेम टेक्निक से ही किया है। और बॉडी का पार्ट मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहता था, हेड एंड बॉडी का पार्ट मैंने पहले ही ब्लैक स्केच पेन से कवर कर दिया था, और विंग्स को मैंने नॉर्मली थोड़ा कर्वी कर्वी किया है, और सेम मैंने साइड में भी दो दो बटरफ्लाई बनाए हैं, सेम टेक्निक मैंने यूज़ किया। आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग बोलोगे अरे बटरफ्लाई है, थोड़ा गार्डन वाला फीलिंग भी होना चाहिए, तो हम लोग बनाएंगे ज़रूर। आप लोग अच्छे से स्टेप को फॉलो करो, आप लोग आराम से बना लोगे इस ड्राइंग को। बटरफ्लाई के विंग्स को ना थोड़ा सा थिक करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डबल लाइनिंग दिया है, अब मैं उसे थिक कर रही हूँ। तो गार्डन की बात कर ले तो उसके लिए मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, बट वो डायरेक्टली मैंने कलर से ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सोचा नहीं था कि मैं फ्लावर्स बनाऊंगी, इसलिए उसे मैं डायरेक्ट कलर से ही बना दूंगी। तो मैंने सबसे पहले वायलेट कलर का यूज़ किया है विंग्स के लिए, हल्का सा वायलेट मैंने कॉर्नर कॉर्नर पर दिया है, और नीचे वाले विंग्स पर मैंने इनर साइड कॉर्नर पर दिया है। सेम मैं दूसरे बटरफ्लाई पे भी कोई एक पार्ट कर रही हूँ, या तो अपर या तो नीचे। और सेकंड मैंने मिक्स कर दिया है इसे पिंक कलर से, पिंक बहुत प्यारा कलर होता है विंग्स पे, ये बहुत प्यारा लगेगा भी, आप लोग देखते रहो। थोड़ा सा मैं फिंगर से ब्लेंड करूँगी, जैसे आप लोग जानते हो फिंगर से ब्लेंड करने से क्या होता है, वो वाइट एरियाज भी कवर हो जाते हैं, कलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और कुछ कुछ वाइट एरियाज अच्छे से कवर हो जाते हैं। और सेम मैंने वो दूसरे वाले बटरफ्लाई में भी किया हल्का सा पिंक मिक्स, और दूसरा हल्का पार्ट विंग्स का था, तो मैंने उसमें अपने मन से रेड कलर फिल कर दिया। और मैं जहाँ बात कर रही थी नॉर्मल फ्लावर्स के लिए, तो मैंने यहाँ पर फ्लावर्स भी ऐड किए हैं सिंपली। आप लोग चाहो तो उसे ड्रॉ करके भी कर सकते हो, पर मैं सिंपली कलर से डायरेक्टली डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और रेड और येलो से फ्लावर को कंप्लीट कर दिया। मुझे तो ये ड्राइंग बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोग ड्राइंग सीख रहे हो, तो इस तरह के ड्राइंग, इस तरह के वीडियोज़ को फॉलो करो, और आराम से आप ईजिली बना पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करो, तो वो लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप इसे ड्रॉ करके सीख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय।